तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं ईडन गार्डन कोलकाता के पिच रिपोर्ट के बारे में। और आपको पता होगा कि लेजेंड्स के जो है वो मैचेस यहाँ पे होने वाले हैं। इससे पहले आप देखोगे तो कल ही जो है वो इंडियन महाराजा और वर्ल्ड डायंट्स का एक स्पेशल मैच हुआ था। और उस मैच में जो है वो सभी लोगों ने देखा होगा कि पिच जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से बिहेव किया है। तो देख लेते हैं किस तरीके से जो है वो बिहेव कर सकता है, बॉलर्स के लिए कितना जो है वो फ्रेंडली रहेगा और साथ में बैट्समैन के लिए जो है कितना फ्रेंडली रहेगा। तो सब कुछ एक एक बार देख लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं और फिर जो है आपको वीडियो के लास्ट तक जो है आप देखना, चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगा आपको जो है सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और इसके अलावा अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो, चाहते हो कि एक बढ़िया सा जो है प्रोफाइल उठा सको, तो ये जो है व्हाट्सअप का नंबर है और साथ में आप कॉल मिले सब्सक्राइब टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो या फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो है वो इन सब का डिटेल्स मिल जाएगा जहाँ से आप जुड़ सकते हो और एक बढ़िया से प्रोफाइल बनाने की जो जर्नी है अपनी वो वहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे तो ईडन गार्डन जो देखोगे तो कैपेसिटी के वाइज जो है जब तक वानखेड़े जो है वो वानखेड़े तो छोड़ो, जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है अहमदाबाद वाला, जब तक वो नहीं था तब तक आप देखोगे कि ये जो था काफ़ी एक हाईएस्ट कैपेसिटी में से जो है वो काउंट होता था। यहाँ पे बहुत सारे जो है दर्शक देखने को मिलते थे, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती थी। और साथ में आप ये देखोगे ग्राउंड भी तो जो है देखोगे कि आपको नदी के किनारे है, समुद्र के किनारे है और एक बहुत सा जो है स्विमिंग कंडीशन रहता है। अब देखते हैं यहाँ पर किस तरह से जो है फेवरेबल ये ग्राउंड रहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं तो ये बैटिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल ग्राउंड रहता है, नो डाउट यहाँ पर बैटिंग जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से होता है। और देखो एक तो ग्राउंड जो है वो बिल्कुल फ्लैट मिलता है, फ्लैट बेस वैसे जो है इसके अलावा सीनिक कंडीशन भी रहता है जिसके चलते जो है ग्राउंड में नमी जो है वो आपको हमेशा देखने को मिलता है। लेकिन ग्राउंड जो है जैसे जैसे मैचेस होते जाते हैं बहुत ही परफेक्टली तरीके से जो है बिहेव करना शुरू कर देता है। और इसके अलावा ये बहुत ही परफेक्ट ग्राउंड है जहाँ पे 180 तक जो है वो रन बहुत ही आराम से बनते हैं, बहुत ही आसानी से बनते हैं। और इवन जो देखोगे बहुत सारे ऐसे मैचेज होते हैं जिसमें 200 रन भी जो है बनता हुआ नज़र आता है, चाहे वो IPL के मैचेज हो या इंटरनेशनल मैचों में थोड़ा सा यहाँ पे कम रन बनता है, लेकिन IPL में नीचे देखोगे बहुत ही अच्छा सा जो है ग्राउंड है, बहुत ही अच्छा जो है यहाँ पे रन बनता है। हाँ बात करते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे जो है जो रात के मैचेस होते हैं ड्यू जो है वो काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करता है। यहाँ पे ड्यू जो है काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो आता है और जिसके चलते जो है जो भी यहाँ पे पहले टॉस जीतता है वो कोशिश करता है कि पहले यहाँ पे बॉलिंग करे, टारगेट देखने के बाद जो है वो चेस करने की कोशिश करे। लेकिन कभी कभी ये उल्टा भी पड़ जाता है क्योंकि क्या होता है कभी कभी जो है वो जैसे जैसे नमी बढ़ते जाता है तो वहाँ पर फास्ट बॉलर का जो है वो थोड़ा सा दबदबा बनते जाता है। आप कल के अगर मैच की हम लोग बात करते हैं जो कल मैच हुआ था इंडियन महाराजा और वर्ल्ड जायंट्स के बीच में, तो आप देखोगे वर्ल्ड जायंट्स ने जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है वो बैटिंग किया। आप देखोगे जो इतने सारे जो है वो आप एजेड सीनियर खिलाड़ी हैं और इन सारे सीनियर खिलाड़ियों ने भी जो है वर्ल्ड जायंट्स ने 170 रन जो है वो बनाया था 20 ओवर में। और इंडियन महाराजा भी जो है काफ़ी ओल्ड खिलाड़ी है, काफ़ी पहले सब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने भी जो है वो 175 रन का टारगेट 175 रन जो है बना दिया था, टारगेट जो है वो 18 ओवर में चेस कर लिया था। तो इस तरीके का जो है आपको यहाँ पे सिनेरियो देखने को मिलेगा कि एक बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, चाहे वो बैटिंग फ्रेंडली हो या बॉलिंग के लिहाज से बात करते हैं। तो बॉलिंग में भी आप देखोगे तो आपको जो है यहाँ पे जो स्पिन बॉलर होता है उसको जो है थोड़ा सा ज़्यादा मदद नहीं मिलता है जितना कि जो है स्विम बॉलर्स होते हैं उनको मदद मिलता है, और स्विमर्स के लिए जो है थोड़ा सा खतरनाक साबित होता भी है। साथ कर जब अगर शुरुआत में थोड़ा सा जो है वो मिलने लगे यहाँ पे तो एक बहुत ही अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे मिल जाता है, विकेट विकेट भी जो है वो स्विम बॉलर को थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू द फास्ट बॉलर। इसके अलावा आप देखोगे तो लास्ट मैच में आप देखोगे जो पंकज सिंह है उन्होंने जो है वो काफ़ी स्विम बॉलर्स हैं, काफ़ी अच्छे बॉलिंग करते हैं और ऐसा देखोगे कि कोई ज़्यादा पेस भी जो है वो नहीं फेंक रहे थे, लेकिन फिर भी जो उनको 5 विकेट जो है वो मिल गया था। तो एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको सारी चीज़ें जो है होता हुआ यहाँ पर नज़र आता है, खासकर फास्ट बॉलर के फेवर में। और यही हम बात करते हैं स्पिनर के कंडीशन के हिसाब से, तो स्पिनर को जो है उतना ज़्यादा विकेट यहाँ पे जल्दी से नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं रहता कि स्पिनर यहाँ पे जो है इफेक्टिव नहीं होते हैं, स्पिनर भी जो है आप यहाँ पे इफेक्टिव होते हुए बहुत बार देखोगे। और ये चीज़ें जो है आपको बहुत बार जो है बहुत सारे मैचेज में आपको नज़र आता है कि स्पिनर को भी जो है बेनिफिट मिलता है। जैसे आप KKR की जो टीम है वो तो कोलकाता उनका होम ग्राउंड है, तो आप देखोगे वहाँ पर वरुण चक्रवर्ती, हरभजन सिंह भी जो है काफ़ी इफेक्टिव रहे हैं। इसके अलावा जो भी वहाँ पे स्पिनर रहता है जैसे साकिब उल हसन वहाँ पे जो है कोलकाता से बहुत सारे खेले हैं, तो उनको भी जो काफ़ी मदद वहाँ पे मिलता है उस ग्राउंड पे। तो ऐसा नहीं है कि केवल हम लोग ये कहते हैं कि फास्ट बॉलर को मदद मिलता है, स्पिनर को भी मिलता है, लेकिन कंडीशन वाइज जब बैटिंग के लिए फ्लैट पिचेज मिलती है तो रन भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा बनता है। अभी रिसेंट मैच जब यहाँ के आप देखोगे इंडिया न्यूजीलैंड का हुआ था तो वहाँ भी देखने को मिला था कि फास्ट बॉलर ने जो है अपना दबदबा तो बनाया ही था, साथ में जो स्पिनर थे उनको भी जो है वो विकेट अच्छा खासा मिला था और बैटिंग के लिए भी जो है काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे रन बने थे, 180 रन जो है वो बने थे और वो जो है रन डिफेंड भी हो गए थे। तो उस तरह का जो है ग्राउंड आपको ये देखने को मिलेगा, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो बैटिंग के लिए बहुत ही अच्छा ग्राउंड है, बहुत ही अच्छा ग्राउंड जो है वो होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ कुछ डाटा देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि अगर डाटा की मैं बात करता हूँ तो T20 में देखो 11 मैचों में से 5 जो है फर्स्ट पर जीता है, 6 सेकंड पर जीता है और फर्स्ट बैट एवरेज है 156 यानी 160 के आसपास आप देख सकते हो फर्स्ट बैट का एवरेज।
यही हम डोमेस्टिक मैच की बात करें तो डोमेस्टिक मैच में देखोगे 79 मैचेस हो रखे हैं, जिनमें से जो है 32 फर्स्ट बैट जीता है, 47 जो सेकंड बैट जीता है, यानी कि यहाँ पे जो है सेकंड बैट का दबदबा आपको देखने को मिलेगा। और फर्स्ट बैट के एवरेज जो है 161 रन है, यानी कि 180 रन 190 रन जो है वो आराम से यहाँ पे बन जाता है, तो डिफेंड होने का चांसेस जो है वो बढ़ जाता है इस ग्राउंड पे, इस तरह का जो है कंडीशन रहता है। और इसके अलावा जो लास्ट 10 यहाँ पे डोमेस्टिक मैच हुए होंगे उसमें से 5 हुए हैं, उसमें से 5 जो है वो डिफेंड हुआ है, 5 जो चेज़ हुआ है, यानी कि अभी आप देखो सिचुएशन जो है बैलेंस जाता है, चेस भी उतना ही होता है, डिफेंड भी जो है उतना ही हो रहा है, लेकिन अगर डोमेस्टिक मैचों के डाटा के हिसाब से देखो तो थोड़ा सा चेसेज जो है यहाँ पर ज़्यादा हुआ है, उस सिनेरियो में जो आपको यहाँ पर लेके चलना है। तो होप सो कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े थे जो है व्हाट्सअप का नंबर यहाँ पर आप मुझसे जुड़ सकते हो, साथ में आप कॉल सर्च करके टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये डिटेल्स मिल जाएगा जहाँ से आप जुड़ सकते हो, और एक बहुत ही अच्छे तरीके से जो प्रॉफिट कमाने की जर्नी है वो आप स्टार्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।